मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में शनिवार को एक फायरिंग रेंज में पानी के तालाब में नहाने गए दो बच्चों की डूबने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई है। आपदा प्रबंधन कोष्ठ के प्रमुख संतोष कदम ने बताया है कि दोपहर करीब 3:30 बजे शहर के वर्तक नगर इलाके में ये घटना हुई है। अधिकारी ने कहा है कि गौतम वाल्मीकि 12 वर्षीय और निर्भय चौहान 15 वर्षीय ये दोनों बच्चे तैरने के लिए तालाब में उतरे थे, मगर गहरे पानी में जाने की वजह से ये दोनों बच्चे डूब गए। बताया जा रहा है कि दोनों लड़के आपस में रिश्ते में भाई लगते थे। उन्होंने ये भी बताया कि RDMC और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे तक चले तलाशी अभियान के बाद दोनों बच्चों के शव को बाहर निकाला गया। ठाणे के शास्त्री नगर में गौतम वाल्मीकि अपने परिवार के साथ रहता था, जबकि निर्भय 2 दिन पहले ही यूपी से मुंबई घूमने के लिए आया था और नहाने गए इन दोनों बच्चों की तालाब में डूबने की वजह से मौत हो गई है। वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।